सो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक एक अनदर वीडियो। अपने आज हमने डिस्कस करना है इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो ये करंट अभी लेटेस्ट न्यूज है बीबीसी की तरफ से कि साल 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ये इनकी मौत ऐसे बैक्टीरियल संक्रमण से हुई थी जिन पर किसी भी मेडिसिन का और एंटीबायोटिक का असर नहीं हुआ। ये नंबर एक 12 लाख बहुत अलार्मिंग है और ये प्रोबेबली नंबर और भी समय के साथ और बढ़ेगा। ये एक बहुत कॉमन से क्वेश्चन सबके उस पर रहता है कि क्या चिकन खाने वालों पर जल्द असर नहीं करती एंटीबायोटिक दवाएँ। तो ये डॉक्टर जतिन आहूजा का एक न्यूज़ 18 में एक आर्टिकल था, उन्होंने इसका आंसर दिया था। यह बात सही है कि चिकन खाने वालों की न केवल प्रतिरोध क्षमता कम होती है बल्कि इलाज के दौरान एंटीबायोटिक दवाएं असरहीन साबित होने लगती है। ये उनके लिए होता है जो कि एक्सक्लूसिवली नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा चिकन का सेवन करते हैं, क्योंकि हमको पता है, ये हम बात जानते हैं कि चिकन को भी पोल्ट्री फॉर्म में भी एंटीबायोटिक का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी बहुत एक्सेसिव यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक फैक्टर वो भी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं हम एक CSE की रिपोर्ट जो आई थी। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली में यमुना किनारे, हरियाणा में हिसार और पंजाब में फजिलका के जो किसान हैं वो फसलों में NT-TB जो टीबी की मेडिसिन है उसका छिड़काव कर रहे हैं, जिसमें आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का ये कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। हमने रिसेंटली ये देखा भी है कि समय के साथ साथ हमारे देश में MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसको बोलते हैं, उसके पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। ये इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इनएप्रोप्रिएट और एंटीबायोटिक मिसयूज की वजह से। दिक्कत यह है कि यह कितनी यूज होनी चाहिए, किस फसल में यूज होनी चाहिए, कब यूज होनी चाहिए, इसके बारे में किसानों को ज़्यादा पता नहीं है। यमित खुराना जी ने, डायरेक्टर हैं फूड एंड टॉक्सिन कार्यक्रम के, इन्होंने ये चीज़ बताई है। ये दो दिन पहले ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है, इंडियन यूजिंग ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स एट विल, एजिथ्रोमाइसिन मोस्ट अब्यूज। ये लैंसेट की स्टडी है, रिसेंटली पब्लिश हुई है, इसका लिंक कमेंट में मिल जाएगा, आप डिटेल स्टडी चाहे तो पढ़ सकते हैं। बट इसका मैसेज यही है कि इंडियंस दे आर यूजिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो हमें पता है कि हम ओवर द काउंटर और जो है फार्मेसी में जाके खुद से ही एंटीबायोटिक, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन मोस्ट कॉमन है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, खांसी हुई, हम किसी से पूछते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, ये वायरल इलनेस होती है, हम जाके सीधे और एंटीबायोटिक हम एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, भाई 3 दिन का कोर्स कर ले, ठीक हो जाएगा। तो ये मोस्ट एब्यूज एंटीबायोटिक में से है हमारे इंडिया में एजिथ्रोमाइसिन। ये एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्म जीव, जिसमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कवक हैं, फंगस हैं, परजीवी हैं जिसको बोलते हैं पैरासाइट हैं, के द्वारा एंटी माइक्रोबियल दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी माइकोबैक्टीरियल जो कि फंगस के लिए यूज़ किया जाता है, एंटी हेलमेंथिक्स जिसका हम पैरासाइट को के लिए यूज़ किया जाता है, जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से है। मतलब ये जो बग्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, इनके लिए जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ये इन पे असरदार साबित नहीं होता है, वो बैक्टीरिया, वो बग्स इसके रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं अपनी बॉडी में। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है उनका, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए ऐसे बैक्टीरिया का, वो क्या होते हैं, वो इन्फेक्शन उनका बहुत स्ट्रांग होता है और उसका ट्रीटमेंट अप्रभावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं और इसकी वजह से संक्रमण का इलाज हो नहीं पाता है और वो भी दूसरे में फैल सकता है। एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो बैक्टीरिया है उसके एक पेशेंट इन्फेक्ट हुआ, उसका ट्रीटमेंट हमने किया, वो प्रॉपर फेल हो जाएगा, उसके बाद ये इन्फेक्शन दूसरों में भी फैल सकता है। तो अल्टीमेटली एक ऐसी जनरेशन, ऐसे पेशेंट का पूल बन जाएगा, ऐसे मरीज हो जाएंगे जिन पर एंटीबायोटिक दवाएँ असर नहीं करेंगी। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सोचने की और एक बर्निंग क्वेश्चन है जिसको हमें अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इवन हमारी गवर्नमेंट को भी और हमें भी। अब क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपर बग्स के रूप में जाना जाता है, इनको हम लोग स्पेशली कभी नाम देते हैं सुपर बग्स।
कारण क्या है? कारण है कि एंटीबैक्टीरियल दवाओं का दुरुपयोग और कृषि में अनुचित उपयोग। हमने देखा अभी कृषि में, एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री में इसका कितना ज़्यादा एब्यूज़ होता है, कितनी सारी दवाइयाँ हम ऐसे यूज़ करते हैं। दूसरा इसका कॉमन एक रीज़न है, दवा निर्माण स्थलों के आसपास जो प्रदूषण शामिल है उसकी वजह से क्या होता है, जो फैक्ट्री के जो वेस्ट होते हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक्स बनती हैं, उससे क्या होता है कि वो प्रॉपर उसका डिस्पोजेबल नहीं होता है, तो वो वातावरण में मिल जाते हैं और अल्टीमेटली एक बायोमैग्निफिकेशन के इवेंट के थ्रू वो जो पास में कोई नदी नाला बह रहा है उसमें चले जाते हैं, सॉयल में चले जाते हैं, अल्टीमेटली वो ऐसे करके इन्फेक्ट करते हैं जो बग्स हैं वहाँ पे, सराउंडिंग बग्स हैं, और साथ साथ जो वहाँ पे उगने वाले पेड़ पौधे हैं और जो फल सब्जियाँ उनके थ्रू भी इस तरह का स्पेशली हैवी मेटल्स का और जो एंटीबायोटिक्स का प्रसार और फैलाव होता है। भारत में क्या कंडीशन है? ओवर द काउंटर पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। एक्चुअली भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोई भी दवाई लेने से पहले, एंटीबायोटिक हो या कोई भी पेन किलर हो, छोटी मोटी मेडिसिन है, मेडिकल में हम शॉप में जाते हैं, केमिस्ट से मिलते हैं और उसको हम बोलते हैं और वो हमें देते हैं विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। ये क्या है? एक जो है जो रेजिस्टेंट जीन है जो कि उस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है बैक्टीरिया में, उसके जीन के प्रोपेगेशन को, उसके नंबर को बढ़ावा देती है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, कभी इसको हम पढ़ सकते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन NDM1 न्यू दिल्ली मेटेलो बीटा लैक्टामेज 1। इस क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा एक सुपर बैग है जो कि तेजी से उभरा है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया तथा अन्य भाग भी दक्षिण एशिया से उत्पन्न हुए MDR स्ट्रेन टाइफॉइड से प्रभावित हुए हैं। भारत में माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड वायरस, जीवाणु और विषाणु सहित के इन्फेक्शन के कारण सेप्सिस, बच्चों में जो सेप्सिस जो इन्फेक्शन होता है, प्रत्येक वर्ष 56,000 56,000 से अधिक नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, जो कि पहली पंक्ति के एंटीबायोटिक दवा के प्रतिरोधी हैं। मतलब जिनमें हम फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक यूज़ करके उनको बचा सकते थे वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो उन दवाओं से वो जो इन्फेक्शन है, वो जो बैक्टीरिया है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो गया है। सो एंटीबायोटिक एब्यूज़ को हमें रोकना है। गवर्नमेंट ने हमें बहुत बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, केरला सरकार का एक बड़ा कदम है, बगैर डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक बेचने पर रोक, रद्द होगा लाइसेंस। ये 22 तारीख 2022 की न्यूज़ है। नो एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन इन केरला। तो केरला में आपको अब एंटीबायोटिक लेने के लिए आपको एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेना होगा, अदरवाइज आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। ये एक बहुत अलार्मिंग, बहुत एक वेलकम स्टेप है। अलार्मिंग इसलिए है, हम सबको इस चीज़ को समझ रहे हैं, एटलीस्ट हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और वेलकमिंग स्टेप ये है कि एवरी गवर्नमेंट, हमारी जो सारी स्टेट की गवर्नमेंट है प्लस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको भी एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे पास एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि हम किसी भी पेशेंट को ठीक ही नहीं कर पाएंगे कोई भी मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करके, बिकॉज़ वो एक सुपर बग बन जाए, सुपर बग से इन्फेक्टेड होगा और सुपर बग हमें पता है कि सारे अवेलेबल एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होगा। सो टू सम अप, कंक्लूड करने के लिए ये मैसेज हमें ध्यान देना है, स्टॉप एंटीबायोटिक एब्यूज़, एंटीबायोटिक एब्यूज़ को बंद करना है। इम्प्रॉपर मेडिसिन स्पेशली हमें नहीं लेना है, और ख़ासकर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमें समझने को है कि हम कोई भी ऐसी मेडिसिन, हमारे घर में कोई बीमार हो या हमारी कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी दवाई हम इनअप्रोप्रिएटली यूज़ ना करें। ऑलवेज डॉक्टर से डिस्कस करके ही आप अपनी दवाई को लें, और किसी भी डॉक्टर के फॉलोअप में आप रेगुलरली रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कोई आपका टिपिकल कोई डाउट है, कोई स्पेशली टॉपिक पे भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप पिन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।